अच्छे मिल्क ओके शुगर डाल शुगर दी कि अच्छा मिल शुगर रहा है, कर अच्छे लिया से अच्छे गाढ़ा कर रहे, गाढ़ा अच्छे बेकिंग सोडा है ओके क्या मिल्क। कंडेंस मिल्क हमने घर पर ऑयल बना लिए, घर पर क्या बना लिया, और पीनट बटर पीनट भी बटर बना लिए, और आज हम बनाने वाले घर पर ही कंडेंस मिल्क। तो चलिए देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लगना है, लगने वाला लगने है वाला है एक दूध सिर्फ दूध का पैकेट, तो जो कि हमने ला लिए है, कोई भी दूध चल जाएगा, मेन है दूध चाहिए। और ये ये गया दूध दूध। ओके तो गाइस दूध थोड़ा गाढ़ा वाला ही लिया हमने, क्रीम वाला, क्योंकि जल्दी गाढ़ा हो जाता है वो। अभी अपने को यहाँ पे शुगर डाल देना है, मतलब पहले अभी ही। से हाँ ओके मतलब तब तक मेल्ट होते रहेगा दूध के हाँ साथ तो ये अभी इसको कंटिन्यू ऐसा स्टर करना है घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। तो काफी देर बाद उबल उबल रहा है इसकी, वो ये भी बनता है क्या बोलते हैं इसका, कुछ भी बनता है ना ऐसा, एक नंबर लगता है। बासुंदी हाँ एक नंबर लगता है वो, हाँ क्या बड़ा लेकिन अपन बना पता रहे है हैं कंडेंस मिल्क। ओके थोड़ा टाइम लगता है इसको, ये देखो अभी हो रहा है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। अभी इसको जब तक कि इसको कलर नहीं आता, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आएगा तब तक इसको गाढ़ा करना है। अभी ओके करते करो हैं करो करो अरे सोडा कब डालना है फिर सोडा, थोड़ी देर बाद डालना है थोड़ा, अगर एकदम गाढ़ा, थोड़ा अगर गाढ़ा हो जाए तब। सो चलिए यहाँ पे थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, अभी गाढ़ा हो गया थोड़ा, तो बस अब ये बुलबुले आना चालू होंगे इसमें। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना मिक्स है करना है, मतलब घुमाते रहना है पुशन कितना टाइम है और हो गया बस, ये देखो कितना गाढ़ा हो गया, अभी बस थोड़ा देर और फिर हो गया ये। इसको जलने नहीं देना है ना, अगर जल गया तो काम खराब हो जाएगा अपना। सो ये हो गया, इसको कलर आ गया। ये बन गया बस अभी इसको थोड़ा ठंडा करना है फिर वो गाढ़ा हो जाएगा है ना ओके तो वेट करते ठंडे होने का ठंडा, सो ये लगभग अभी ठंडा हो गया, ये देखो वाओ इसकी कंसिस्टेंसी कितना सही दिख रहा है ना। तो इसको हाँ आराम से अपन ये क्या, एक हफ्ते तक हाँ स्टोर स्टोर कर सकते हैं। ये देखो, ओके वाओ ये देखो गाइस, ये है नेचुरल वाला, और आपको दिखाता हूँ मैं, अपने पास दूसरा भी है ना। हाँ सो ये मार्केट है वाला जो मार्केट में मिलता है, ये थोड़ा गाढ़ा है, ये भी गाढ़ा हो जाता, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, अभी भी गर्म ही है थोड़ा सा। ओके तो ये देखो ये है मार्केट वाला, लगभग सेम ही है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको मार्केट वाला। ये मार्केट वाला इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा होता है, हो गया ठीक है। वाह और ये हमारा जो है कंडेंस मिल्क, ये देखो बस थोड़ा, अगर मैं ज्यादा इसको भी सेम, अगर अरे थोड़ा तो वो भी फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो वैसे ही गाढ़ा वैसे ही हो हो जाएगा जाएगा। ये देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है थोड़ा सा टेस्ट में, लाइटर देखते थोड़ा सा टेस्ट डार्क पहले, ये अपना वाला टेस्ट करके देखता हूँ मैं। ओके बहुत मीठा, पैकेट वाला टेस्ट करते अभी। हाँ दोनों में हाँ थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस लग रहा है, बिकॉज होममेड ओके और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते होंगे शायद हाँ से, तो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन आपको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा, मतलब लगभग सेम ही मैक्सिमम लग रहा सेम है। ही लग रहे हाँ हैं